हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे NDPS एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट फैसला भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए अलग अलग पैकेजों में रखे प्रतिबंधित पदार्थों के लिए गए सैंपल को मिलाने के लिए प्रभाव की जाँच करने का एक फैसला किया। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। क्या NDPS एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक प्रतिबंधित सैंपल को मिलाना जब्ती को प्रभावित करेगा? सुप्रीम कोर्ट इसकी जाँच करेगा। और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सैंपल लेने के संबंध में NDPS एक्ट यानी कि NDPS नियम 2022 के प्रावधान अनिवार्य है और उनका उल्लंघन जब्ती को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार करने की सहमति जताई और राज्य को याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मुद्दा जो है वो केरल राज्य द्वारा NDPS एक्ट में आरोपी को जमानत देने के लिए केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में उठा, और यह है कि विभिन्न पैकेजों में रखे प्रतिबंधित पदार्थों के सैंपल को पता लगाने वाले अधिकारी ने मिला दिया, जिसके कारण हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह राय बनाई कि आरोपी के खिलाफ आरोप कायम नहीं रहेंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो आरोपी कानूनी की सहायता वकील को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि कानूनी मुद्दों की जाँच की जा रही है। न्यायालय ने कानूनी मुद्दों पर एडिशनल सॉलिटर जनरल की सहायता का भी अनुरोध किया। मामले को जो अगली बार 11 नवंबर शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया। साथ ही साथ निर्णय में NDPS एक्ट की धारा 52A NDPS और का जो नियम है 2022 के नियम 3 और 10 और मांगी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 और सिमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट ने कई उदाहरणों का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस मामले में डिटेक्टिंग अधिकारी द्वारा जो आरोपी एक और दो के शवों को दो अलग अलग लिफाफों में प्रतिबंधित पदार्थ को अलग अलग जब्त किया गया, इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रतिबंधित पदार्थ को मिलाया और दोनों कवरों से प्रतिनिधि के जो नमूने निकाले बिना उन्हें एक कवर में डाल दिया। यह वह सैंपल था जिसे कवर लिया गया, जिसे कानून के पूर्ण उल्लंघन में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हाल ही के दिनों में भी आई है। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा।